करते हैं, यहाँ पर केक कट करते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं। तो चले भाई लोग हाथ पकड़ लीजिए सभी लोग आप लोग। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग केक कट करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं मुकेश भाई से मिलने। तो दोस्तों हम सोच रहे थे मुकेश भाई का 100 के पूरा हो जाएगा तो केक वगैरह लेके जाएंगे और मुकेश भाई से कट करवाएंगे। और दोस्तों अभी हम कलवारी पुल पे पहुंचे हैं जो कि यहाँ कलवारी पुल है। और दोस्तों अभी हमें लगभग 350 किलोमीटर दूर जाना है। तो दोस्तों हम लोग ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोग को बोरिंग महसूस होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं और मुकेश भाई के पास फैमिली पहुंच के आप लोग को वीडियो दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पेट्रोल टंकी पे गए और वहाँ पे गाड़ी में तेल वगैरह भरवाएं, इसके बाद वहाँ से निकल गए। और एक बात दोस्तों, जब मैं मुकेश भाई के पास जा रहा था तो मैं बहुत कुछ सोचा था, मतलब वीडियो बनाने के लिए ऐसा वीडियो बनाऊंगा वैसा वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों जब फाइनली हम लोग मुकेश भाई के पास पहुंच गए तो दोस्तों मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था यार, समझ में नहीं आ रहा था, मतलब क्या बोलूं, वीडियो कैसे बनाऊं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों जो बेसब्री से इंतज़ार था मुकेश भाई से मिलने के लिए, इतना खुशी था क्या बताऊँ आपसे। और दोस्तों कुछ देर के बाद वहाँ एक रेस्टोरेंट शॉप मिला, वहाँ से केक वगैरह हम लोग लिए हैं और उस पर सब कुछ मतलब तैयार करवाएं, जो कुछ लिखवाना था उस पर लिखवा दिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग मुकेश भाई के पास जब पहुँच गए वहाँ पे वीडियो वीडियो बनाए। दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, इसके बाद देखो क्या होता है। दोस्तों हम लोग फाइनली मुकेश भाई के घर पहुँच आए हैं और यहाँ पर अभी केक को कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोग हैं, अभी केक को काटते हैं मुकेश भाई, तो हम आप लोग को सभी को दिखाते हैं, जो जैसा होगा सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। सुनो दोस्तों, मैं सत्यम पांडे, ये है भाई साहब गोविंदा ब्लॉग जो कि इनका नाम है, इनका चैनल का नाम है। फाइनली ये है मुकेश भाई। तो मुकेश भाई को सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन 1,00,000 सब्सक्राइबर के लिए। और ये है भाई साहब परमात्मा साहनी जी, ठीक है, ये भी खैलाबाद से चल के आए। तो गाइस बता दूं, गोविंदा भाई ने इनके लिए मुकेश भाई के लिए अपने पर्सनली केक लेके आया है जो कि लगभग गोविंदा भाई 350 किलोमीटर से चल के आए हैं। सुबह लगभग 5 बजे से ये चलते हुए अभी गाइस आए हैं। तो आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो मुकेश भाई आपसे बात करने बताने वाले हैं, तो बात करिए। अच्छा आप सबसे पहले ना एक बार मेरे को भी बता दीजिए अपना क्या नाम है। गोविंदा जी। और आपका जिला कौन सा है बता दीजिए। अम्बेडकर नगर। तो भाई देखिए, यहाँ से लगभग जो अंबेडकर नगर जिला पड़ता है लगभग 300 से 400 के आसपास, मतलब लगभग पड़ जाता है। तो अगर दोनों मिला लिया जाए तो लगभग 500-600 किलोमीटर दूर से आया भाई। हाँ, अगर आने जाने का मिला लिया जाए तो भाई देखो यहाँ पर भाई हमारे लिए केक लाए हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा 100 की फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है। तो भाई यहाँ पर लाए हैं केक और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखा दिया जाए बच्चे को, यहाँ पर देखिए दोस्तों बच्चे भी याद करें, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं केक काटता हूँ ना तो बच्चे आ ही जाते हैं, क्योंकि बच्चों को पता है दोस्तों कि मैं जब भी केक काटता हूँ तो बच्चों को जरूर खिलाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों भाई केक लाए हैं, तो अभी दोस्तों मैं केक वगैरह ओपन करता हूँ, हम सब मिलकर काटेंगे। भाई का मतलब एक उम्मीद है भाई, मतलब बहुत उम्मीद से आए, मतलब एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि काश भाई मिलेंगे या फिर नहीं। आपकी तो ऐसी इच्छा रही होगी ना कि भाई मिलेंगे या फिर नहीं, ऐसा ही होता है। तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा कि भाई लगभग 300 मतलब इतने दूर से है भाई, बहुत दूर है भाई, इतना ज्यादा दूर भाई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दोस्तों इतना दूर से भी हमसे कोई मिलने आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई ने केक लाया है, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों केक कट करते हैं, सबको खिलाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। तो चलिए भाई हाथ पकड़ लीजिए और यहाँ पर हम लोग केक कट करते हैं। आप लोग चेक करें 1,00,000 सब्सक्राइबर, मतलब देखिए गाइस यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। वाह वाह वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू 100K, वाह वाह थैंक यू। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ पर केक कट करते हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों बच्चे एक बार बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब केक कटेगा। तो अभी बिल्कुल भी हम लोग देरी नहीं करते हैं, यहाँ पर केक कट करते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं। तो चलिए भाई हाथ पकड़ लीजिए सभी लोग आप लोग। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग केक कट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम भाई को खिलाना चाहते हैं, क्योंकि भाई इतना दूर आए हैं, हमारे लिए भाई मेहमान समान है। तो भाई को हम लोग स्वागत करेंगे केक से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मुकेश भाई को खिलाऊंगा, क्योंकि ये केक मुकेश भाई के लिए ही लाया था। थैंक यू भाई, मुकेश भाई को खिलाऊंगा, फिर इसके बाद ये लीजिए भाई। तो चलिए दोस्तों अभी ना पूरा का पूरा केक काट के बच्चों में बांट देते हैं। तो दोस्तों फाइनली मुकेश भाई केक को काट चुके हैं और दोस्तों अभी केक बच्चे पार्टी को खिलाया जाएगा। और दोस्तों मुकेश भाई से जो फाइनली मिलने का बेसब्री से इंतज़ार था, दोस्तों मुकेश भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मुकेश भाई का जो बोल चाल
जो कुछ भी था दोस्तों, इनका जो स्वभाव था दोस्तों बहुत ही अच्छा था। और दोस्तों जो काफ़ी लोग रहते हैं दोस्तों एटीट्यूड में आ जाते हैं दोस्तों मिलने वगैरह से, दोस्तों कैमरा फेस करने से दोस्तों नहीं कैमरे में आते, तो दोस्तों मुकेश भाई के अंदर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मुकेश भाई से मिलके मुझे दोस्तों बहुत अच्छा लगा, और दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि दोस्तों मुकेश भाई को फुल सपोर्ट करें। और दोस्तों मैं आप लोग से एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं भी मुकेश भाई की तरह फैमिली, मैं भी मुकेश भाई की तरह बनना चाहता हूं दोस्तों। आप लोग के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट दोगे तो मैं मुकेश भाई की तरह बन सकता हूं। सारा का सारा केक वगैरह सब कुछ कट हो चुका है, और जितने भी बच्चे यहाँ पर थे सब के सब अपने घर पर चले गए हैं, उनको केक से मतलब था और किसी से मतलब नहीं था। तो अभी दोस्तों सारे के सारे बच्चे चल चुके हैं अपने घर पर, केक वगैरह सब कुछ कट हो चुका है, और भाई को भी दोस्तों लगभग 250-300 किलोमीटर जाना है, तो भाई को भी लेट हो रहा है, तो भाई को भी विदा देते हैं। जय बिल्कुल भाई, आप विदा जाइए, रोइए होइएगा नहीं। चलिए दोस्तों इनको विदा करते हैं, भाई को भी इतना ज्यादा दूर जाना है दोस्तों, और सच में दोस्तों बहुत बड़ी मतलब प्राउड फील होती है जब इतना दूर से कोई मिलने आते हैं। तो थैंक यू सो मच आपको जो इतना दूर से मिलना है, आप लोग फिर आएंगे मिलने के लिए जरूर भाई, बिल्कुल आते रहिएगा, मगर इतना दूर है तो थोड़ा आप संभल उमल कर आइएगा जाइएगा, क्योंकि दोस्तों 250-300-400 किलोमीटर दूर है भाई का घर, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो चलिए भाई आप लोग बिंदास जाइए, मस्त जाइए, आराम से जाइएगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, जल्दबाजी मत कीजिए। थैंक यू।